हेलो एवरीवन, मैं हूँ शिल्पी। वेलकम बैक टू माय चैनल द वेजी रसोई। चॉकलेट केक आपने बहुत बार खाया होगा और बनाया भी होगा, पर आज की रेसिपी में मैं जो चॉकलेट केक बनाने वाली हूँ ये बाकी चॉकलेट केक से थोड़ा सा डिफरेंट है। बेसिकली यहाँ पर मैंने बनाया है कस्टर्ड चॉकलेट केक। तो इसे मैंने कैसे बनाया है ये जानने के लिए वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, और अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई तो रेसिपी को लाइक करना बिल्कुल मत भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये रेसिपी। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने ले लिया है 1/4 कप रिफाइंड ऑयल। उसके बाद यहाँ पर मैं ले रही हूँ पाउडर शुगर। मैंने यहाँ पर 6 टेबल स्पून पाउडर शुगर लिए हैं। ये वाली जो खाने वाली स्पून होती है ना, आप इससे मेजर इसे कर सकते हैं। अब हमें इन दोनों चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स करना है। इन्हें हमें तब तक बीट करते रहना है जब तक कि हमें इस तरीके से ये क्रीमी टेक्स्चर नहीं मिल जाता। उसके बाद अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 2 टेबल स्पून कंडेंस मिल्क। इस रेसिपी में मैंने होममेड कंडेंस मिल्क का यूज किया है। अगर आपको ये रेसिपी जाननी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। इन्हें भी हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। उसके बाद इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 1/4 कप मिल्क। मिल्क को मैंने यहाँ पर रूम टेम्परेचर पर ही लिया है। अच्छे से मिक्स कर लें। उसके बाद एक सीव लेकर हमें इसमें ऐड कर देनी है मैदा। यहाँ पर मैंने 6 टेबल स्पून मैदा ली है। जितनी मैंने पाउडर शुगर ली थी उतनी ही मैंने मैदा ली है। उसके बाद यहाँ पर मैं ऐड कर रही हूँ 2 टेबल स्पून कोको पाउडर, 1/2 टी स्पून बेकिंग पाउडर और 1/8 टी स्पून बेकिंग सोडा। इन्हें हमें अच्छे से छान लेना है। अच्छे से छानने के बाद हमें अच्छे तरीके से सभी चीज़ों को मिक्स करके एक लम्स फ्री बैटर बनाकर तैयार कर लेना है। मतलब कि बैटर में कोई भी लम्स नहीं होने चाहिए, बैटर बहुत ही स्मूथ होना चाहिए। तो यहाँ पर ये बैटर अभी एकदम तैयार है। उसके बाद इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 1/2 टी स्पून वनीला एसेंस, और साथ में इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 1/2 टी स्पून सिंथेटिक विनेगर। अगर आपके पास विनेगर नहीं है तो आप लेमन जूस भी यूज कर सकते हो। तो ये बैटर अभी परफेक्टली रेडी है। आज का ये केक मैं कढ़ाई में बेक नहीं करने वाली हूँ, बल्कि इसे मैं आज माइक्रोवेव में बेक कर रही हूँ। आप चाहे तो इसे कढ़ाई में भी बेक कर सकते हैं। तो पहले अपनी कढ़ाई को मीडियम फ्लेम पर 10 मिनट के लिए प्रीहीट कर लें। उसके बाद 20 से 30 मिनट के लिए इस केक को मीडियम फ्लेम पर बेक कर लें। अवन में बेक करने के लिए पहले अवन को 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर 10 मिनट के लिए प्रीहीट कर लें। उसके बाद 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही 20 से 25 मिनट के लिए केक को बेक कर लें। तो एग्जैक्ट 20 मिनट के बाद ये केक बेक होकर एकदम तैयार है। तो ये केक को अब हम अच्छे से अब ठंडा होने देंगे। अब मैंने यहाँ पर 1 कप दूध ले लिया है। दूध को मैंने रूम टेम्परेचर पर ही लिया है, और यहाँ पर मैं पहले थोड़ा सा दूध इसमें ऐड कर रही हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पर ले रही हूँ 2 टेबल स्पून कस्टर्ड पाउडर। जो कस्टर्ड हम घर पर बनाते हैं ना, फ्रूट कस्टर्ड, ये वही वाला कस्टर्ड पाउडर है। इन्हें अच्छे से मिक्स कर लें और बाकी का दूध भी इसमें ऐड कर दें। साथ में ही इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 3 टेबल स्पून चीनी। चीनी को ऐड करने के बाद अच्छे से मिक्स करें और इसे अच्छे से कुक कर लें। थोड़ी ही देर में ये जल्दी से गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा। अगर आपने कभी कस्टर्ड बनाया होगा तो आपको पता होगा ये कितनी जल्दी गाढ़ा हो जाता है, पर बेसिक कस्टर्ड से इसे हमें गाढ़ा रखना है। जैसा कस्टर्ड हम घर पर बनाते हैं ना, फ्रूट कस्टर्ड, उससे ज़्यादा हमें इसे गाढ़ा रखना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी कुछ इस तरीके की है। अब हम इसे अच्छे से ठंडा हो जाने देंगे, और जैसे ही रूम टेम्परेचर पर आ जाएगा इसे कवर करके हम फ्रीज़र में रखकर इसे चिल कर लेंगे। इसे बहुत ठंडा करना है हमें। आधे से एक घंटे में ये फ्रीज़र में अच्छे से चिल हो जाएगा। अब मैंने यहाँ पर 1/4 कप एकदम गर्म पानी लिया है। उसमें मैं ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून पाउडर शुगर और 1 टीस्पून कोको पाउडर। इन्हें हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है और इसे ठंडा हो जाने देना है। जैसे ही ये ठंडा हो जाए इसे हम केक के ऊपर स्प्रेड करेंगे। तो केक पर मैंने यहाँ पर टूथपिक से अच्छे तरीके से छेद कर दिए हैं, जिससे जो हमने सिरप बनाया है वो इसे अच्छे से एब्जॉर्ब कर ले। जितने सिरप की जरूरत हो उतना ही डालना है, पूरा नहीं डालना है, पर इतना डालना है कि केक अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। अब मैंने इसे फ्रीजर में से निकाल लिया है। अब हमें इसे 30 सेकंड के लिए बीटर से बीट कर लेना है, ताकि इसमें जो लम्स हो गए हैं ना, वो लम्स सारे ख़त्म हो जाएं और ये एकदम स्मूथ हो जाए। तो अच्छे से स्मूथ करने के बाद इसे हमें केक के ऊपर डाल देना है और इवनली अच्छे तरीके से इसे स्प्रेड कर देना है। बहुत ही आसानी से ये इवनली स्प्रेड हो जाएगा।
अच्छे से स्प्रेड हो जाए, उसके बाद इसे हमें फ्रिज में सेट होने के लिए रख देना है। आप चाहे तो इसे फ्रीजर में भी रख सकते हो, पर इस लेयर का सेट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगली लेयर हम जो डालने वाले हैं वो चॉकलेट की है। अगर ये लेयर सेट नहीं होगी तो इसके पीसेस अच्छे से नहीं निकलेंगे। अब मैंने यहाँ पर आधा कप हॉट क्रीम ली है, ये क्रीम एकदम गर्म है। उसके बाद इसमें मैं ऐड कर रही हूँ आधा कप डार्क चॉकलेट। आप चाहो तो क्रीम की जगह पर मलाई भी अच्छे से फेंट कर उसे गर्म करके यूज कर सकते हो। तो यहाँ पर अच्छे से चॉकलेट मेल्ट हो गई है और हमारा गनाश एकदम रेडी है। और जो लेयर हमने ये बनाई थी ये भी अब अच्छे से सेट हो चुकी है। अब हमें इस गनाश को इस पर पोर कर देना है और इवनली स्प्रेड कर देना है। वैसे ये चॉकलेट वाली लेयर कम्प्लीटली ऑप्शनल है, आप चाहो तो बहुत थिन लेयर भी चॉकलेट की लगा सकते हो, अदरवाइज स्किप भी कर सकते हो। तो यहाँ पर मैंने चॉकलेट को अच्छे से पोर कर दिया है, अब इसे इवनली स्प्रेड कर देना है। इवनली स्प्रेड करने के बाद ये डेजर्ट हमारा एकदम तैयार है। बस 10 मिनट के लिए इसे फ्रीजर में रख के चॉकलेट को सेट हो जाने देना है। तो यहाँ पर मैंने ये ले ली है वाइट चॉकलेट गनाश, जिसे मैंने एक पाइपिंग बैग में भर लिया है। उसके बाद इस केक को मैं डेकोरेट कर रही हूँ। ये स्टेप कम्प्लीटली ऑप्शनल है, आप इसे स्किप भी कर सकते हो। तो इस तरीके से लाइंस को बनाने के बाद मैंने यहाँ पर एक टूथपिक को ले लिया है। तो हमें टूथपिक को पहले एक बार आगे से पीछे की तरफ ले जाना है, फिर एक बार पीछे से आगे की तरफ लेकर आना है, तभी ये डिज़ाइन बनकर तैयार होगा। तो ये ब्यूटीफुल केक अभी एकदम तैयार है। अब मैं इसे कट करने जा रही हूँ। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट स्टेप इस केक को बनाने में वही था जो हमने सेकंड लेयर लगाई थी, उसे हमें अच्छे से सेट हो जाने देना है। अगर वो अच्छे से सेट नहीं होगी तो आप केक के पीसेस नहीं निकाल पाओगे। टेस्ट में तो ये अच्छा ही बनेगा पर बस पीसेस नहीं निकाल पाओगे। तो यहाँ पर ये केक एकदम तैयार है। नाउ आई एम गोइंग टू टेस्ट इट। द टेस्ट ऑफ दिस केक इज रियली वेरी डिलीशियस। डू ट्राई दिस रेसिपी एंड लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो हाउ इट केम आउट फॉर यू। और हाँ, प्लीज़ वीडियो को लाइक किए वो बिना बिल्कुल मत जाइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। तो फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।